हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में एडिटोरिया के करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एनटीपीसी सीबीटी 2 में सभी लेवल में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। इससे पहले मैंने 3 क्लास ले चुका हूँ इस संबंध में, ये चौथी क्लास है। अगर यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये क्लास ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो लेवल 2 में 13/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसको देखने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ISSF मीन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या पूछा था। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीत लिया है? तो अर्जेंटीना। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीत लिया है और ब्राजील को हराकर जीता है। ध्यान में रखिएगा, कोपा अमेरिका ये कैसा कप है? तो ध्यान में रखना, ये फुटबॉल ट्रॉफी है। और कोपा अमेरिका किसने जीत लिया है? अर्जेंटीना ने जीत लिया है, ब्राजील को हराकर जीत लिया है। और ये 47वां क्रम था, आप इसको भी ध्यान में रखिए। अगला है, वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था? तो 2020 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तरार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया था? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, कृषि अवशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में कृषि वेस्ट से निर्मित ईंटों की पहली भवन इमारत की उद्घाटन किया गया था, और कहाँ किया गया था? तो IIT हैदराबाद में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो 56 किलोवाट है, ध्यान में रखिएगा। और ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 kg वेल्टर वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता? तो ध्यान में रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो एक मुक्केबाज है और टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 kg कैटेगरी में कांस्य पदक जीती थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, इटली में मोंजा ऑटोड्रम नेशनल ट्रैक पर आयोजित Formula 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता है? तो डेनियल रिकियार्डो। ध्यान में रखिएगा, डेनियल रिकियार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। केवल आप इतना याद रखिए कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया है, तो डेनियल रिकियार्डो ने जीत लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती। ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में चर्चित पुरस्कार में पढ़ा चुका हूँ। SV सरस्वती को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखते हैं, जो लेवल 2 में 13/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो पहला देखिए, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्सटाइल, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ टेक्सटाइल होगा, मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो 20 परियोजनाओं की मंजूरी दी है वस्त्र मंत्रालय द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्सटाइल मिशन के तहत।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो 7.7% थी। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व में जितनी भी मछली उत्पादन हुई उसमें भारत का योगदान कितना था, तो 7.7% था। अगला है, किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने 2019-21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का गौरव हासिल किया है? तो रविंद्र चंद्र अश्विन, जो 2019-21 के बीच में टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें 71 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रविंद्र चंद्र अश्विन। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मात्रोसी किस देश की है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। UAE की महिला अंतरिक्ष यात्री है नूरा अल मात्रोसी, जो अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए ये चर्चा में थी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया था? तो पिंक को। ध्यान में रखिएगा, पिंक के गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो फिनलैंड। ध्यान में रखिएगा, फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर था, और वहीं भारत इसमें 139वें स्थान पर था 2021 में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया है? तो इंदिरा पीपी बोरा को। ध्यान में रखिएगा, इंदिरा पीपी बोरा को केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा निर्देश को जारी किया है? तो बायोटेक प्राइड। ध्यान में रखिएगा, बायोटेक प्राइड की दिशा निर्देश जारी किया है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो अजय कुमार ने। ध्यान में रखिएगा, अजय कुमार ने रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, 25 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो रक्षा से संबंधित है, तो कौन पेश करेंगे? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में किया गया था? तो शिलोंग में। ध्यान में रखिएगा, शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया था, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि लेवल 2 में 16/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो पहला देखिए क्या पूछा था, भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है? तो प्रोजेक्ट 75। ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 एक निविदा जारी की है जिसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा और जिसका कुल लागत होगा 50,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? तो उड़ीसा में। ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में
किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में। ध्यान में रखिएगा, मिजोरम में प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन है और क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, सितंबर 2021 में एक्टा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक प्रयोग के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इसरो ने सूक्ष्म जैविक प्रयोग के लिए एक उपकरण का विकसित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवंबर 2021 में 2021 से 26 के अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए कितने रुपये लागत की मंजूरी दी है? तो 2177 करोड़ रुपये लागत की मंजूरी दी है। किसके लिए? तो अम्ब्रेला योजना के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला है, किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कार्स्टन वारहोल्म्स। ध्यान में रखिएगा, कार्स्टन वारहोल्म ने ही अपना विश्व रिकॉर्ड जो पहले बनाया था उसको तोड़ दिया है 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021 से 22 से 25 से 26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो खेलो इंडिया योजना। खेलो इंडिया योजना को खेल एवं युवा मंत्रालय ने जो पहले 2021 से 22 तक था उसको बढ़ाकर 2025 से 26 तक करने का निर्णय लिया है। अगला है, एंटीगुआ में आयोजित अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो राज अंगद बाबा। राज अंगद बाबा अंडर 19 विश्व फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अगला है, मई 2021 में भारतीय मूल के किस केमिस्ट्रियन को प्रोफेसर डेविड क्लेनर मैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को। ध्यान में रखिएगा, शंकर बाला सुब्रमण्यम को मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। ध्यान में रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम वन है, ये इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। अगला देखिए, रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने किस टीम को हराया है? तो श्रीलंका लीजेंड्स को हराया है, और इसका नाम क्या था, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। अब आते हैं अगला प्रश्न पर, जो लेवल 2 में 16/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। तो देखते हैं पहला क्या है, 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की थी, इस प्रणाली का नाम क्या है? तो स्पर्श। ध्यान में रखिएगा, स्पर्श जो है वो किसे संबंधित है, ये पेंशन से संबंधित है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविना बेन पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो टेबल टेनिस में। तो ध्यान में रखिएगा, भाविना बेन पटेल किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, और ये टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? तो भारत को। ध्यान में रखिएगा, 2026 में कब, 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो पूछा था। तो अगला देखिए, किसने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 71 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक। ध्यान में रखिएगा, प्रिया मलिक विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेल हबर्ड
महिलाओं की 87 प्लस किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कहाँ की थी? तो न्यूजीलैंड की। तो केवल आप ध्यान में रखिएगा, न्यूजीलैंड की थी और पहली ट्रांसजेंडर थी जो टोक्यो ओलंपिक में भाग ली, उसका नाम था लॉरेल हबर्ड। और ये किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। अगला है, किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने पुरुष युगल फाइनल जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओपन इंडिया 2022 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को। तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, 2021 का सरस्वती सम्मान पूछा था, ये 30वें क्रम का नहीं था, 31वें क्रम का था जो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। अगला है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो लेवल 2 में 16/6/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो चीन को। ध्यान में रखिएगा, चीन को हराकर भारत ने हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था और ये महिला एशिया कप 2022 था। अगला प्रश्न देखिए, किसे राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्पणा सतीशन को। ध्यान में रखिएगा, अर्पणा सतीशन को अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 के अनुसार कितनी है? तो 19.7%। ध्यान में रखिएगा, भारत का बर्थ रेट कितना है? 19.7% है, 2019 के लिए ये रिपोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था, प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, कोरोना वायरस महामारी कवरेज के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, प्रतिष्ठित लोक सेवा की श्रेणी में। अगला है, अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा गेम ऐप स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो लिटिल गुरु। ध्यान में रखिएगा, लिटिल गुरु इस ऐप का नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ किया था? तो चेन्नई में। ध्यान में रखिएगा, चेन्नई में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोरला किस कंपनी के सीईओ हैं? तो फाइजर इंक के ये सीईओ हैं अल्बर्ट बोरला, जिसे जेनेसिस प्राइज 2022 दिया गया था। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में किस देश की अशोधित जन्म दर विश्व में सबसे ज्यादा है? तो नाइजर की है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है और ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला है, पुरातत्वविद आर नागास्वामी, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था, इनको किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर इनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? तो तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु के थे ये आर नागा स्वामी और ये के पुरातत्वविद थे। अगला है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 11। ध्यान में रखिएगा, 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं कौन? वीरेंद्र सिंह पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने? वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार
वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था? तो ब्राजील। ध्यान में रखिएगा, ब्राजील 2019 में गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था पूरे विश्व स्तर में। तो यहाँ होता है समाप्त। जितने भी प्रश्न एनटीपीसी CBT2 में पूछे गए थे करंट अफेयर से, वो सारे प्रश्न मैंने शिफ्ट वाइज लेवल वाइज सारा करा दिया। अगर यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, आप उसको देख के जाइए एग्जाम से पहले, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। और जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और इससे संबंधित आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले दिन।